लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदू पर दिए गए बयान पर हंगामा मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अभय मुद्रा का जो जिक्र किया उस पर भी कई सारे धर्मगुरुओं ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने अभय मुद्रा का जिक्र इस्लाम के लिए भी किया, इस पर इस्लाम धर्मगुरु ने राहुल गांधी के इस बयान को इनकार किया है और कहा है कि इस्लाम में अभय मुद्रा का कोई जिक्र नहीं है। साथ ही लोकसभा में पीएम मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के कई सारे नेताओं ने राहुल गांधी को जवाब दिया, तो लोकसभा के बाहर भी बीजेपी के तमाम सारे नेता राहुल गांधी का घेराव करते हुए अब नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के इस बयान पर अब धर्मगुरु भी सामने आए हैं और इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। सुनिए तमाम धर्मगुरुओं ने क्या कुछ कहा, चाहे वो इस्लाम धर्मगुरु हो या हिंदू धर्मगुरु हो, राहुल गांधी के इस बयान को वो किस तरह देखते हैं, उन्हीं से सुनिए। देखिए, मेरे को भी अभी जानकारी में आया और मैंने जैसे देखा भी थोड़ा बहुत वीडियो, राहुल गांधी जी ने आज पार्लियामेंट में बोलते हुए एक अभय मुद्रा का जिक्र किया है और उसकी तुलना उन्होंने जो मुसलमान इस्लाम में हम जो दुआ मांगते हैं दोनों हाथ जोड़ करके, उन्होंने कहा है कि अभय मुद्रा इस्लाम में भी है। देखिए, अभय मुद्रा हिंदू धर्म के अंदर विभिन्न मुद्राओं का जिक्र है, देवी देवताओं के उनके अकॉर्डिंग जो देवी देवता हैं उसके अंदर उनकी विभिन्न मुद्राएं हैं, उसमें हो सकता है, लेकिन इस्लाम में मूर्ति पूजा या पूजा पाठ का कोई जिक्र नहीं है और ना ही किसी किस्म से अभय मुद्रा का कोई जिक्र है। और मैं नहीं समझता कि किस कंसेप्ट में उन्होंने इसलिए इस्लाम से जोड़ा है, और शायद उन्होंने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की कि कांग्रेस का जो सिंबल है वो अभय मुद्रा जो वो इस्लाम में भी है, तो मैं इसका खंडन करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस्लाम में अभय मुद्रा का कोई जिक्र नहीं है और जो हम दुआ मांगते हैं उसको अभय मुद्रा से जोड़ के देखना बिल्कुल गलत है और राहुल गांधी जी को अपने इस बयान को दुरुस्त करना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। आज लोकसभा में हिंदुत्व के विषय में जिस प्रकार का वक्तव्य राहुल गांधी ने दिया है घोर निंदनीय है, साथ साथ में ये हिंदुओं का अपमान है। जो नकली जनेऊ पहन करके कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन करके जो हिंदू बन के घूमता है, जो नकली नाम धारण करता है, जो नकली रूप से हिंदू बनकर रहता है, कोई हिंदुत्व को क्या जाने, सहिष्णुता क्या जाने, तो दया क्या जाने, अहिंसा क्या जाने। इसलिए ऐसे वक्तव्यों को उसको तुरंत वापस लेना चाहिए, अन्यथा हिंदू समाज को भी विचार करना चाहिए। आदाब सलाम और बहुत बहुत दुआओं के साथ, हाजी सैयद सलमान चिश्ती, गद्दी नशीन, दरगाह अजमेर शरीफ। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले सुनने में आया है और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है पार्लियामेंट में तमाम एमपीज के साथ लोकसभा सदन में कि जो अभय मुद्रा है उसको इस्लामिक प्रेयर्स के साथ या इस्लामिक वर्शिप के साथ उन्होंने किसी संदर्भ में कहा है। इस्लाम में ये क्लियर कंसेप्ट है कि अल्लाह सुबहान व तआला एक क्रिएटर है और इज द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट कंपैशनेट एंड देर इज़ नो एसोसिएशन ऑफ एनी पार्टनर्स और एनी सिम्बलिज्म विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड अल्लाह सुबहान व तआला। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से अगर किसी भी फेथ के लिए, रिलीजन के लिए अगर आप कोई अपनी व्यू पॉइंट रखते हैं तो उसको पहले मेरे ख्याल से कंसल्ट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि हम सब धर्मों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जो अपनी अपनी मान्यता है, जो धारणाएं हैं, उसको अगर हम कन्फ्यूज करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसमें ऐसे कन्फ्यूजन होते हैं जो आम लोग और जो देशवासी हैं उनके नजरिए से वो चीज समझ में नहीं आती है। तू जैव जगत से प्रेम करता है, सब में ईश्वर को देखता है, हिंदू अहिंसक है, समन्वयवादी है और सहिष्णु है। हिंदू यही तो कहता है कि पूरा विश्व मेरा परिवार है और सबके कल्याण, सुख, सम्मान की कामना करना निरंतर हिंदू अपना धर्म मानता है। और हिंदुओं को हिंसक कहना अथवा ये कहना कि वे घृणा फैलाते हैं, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार की बातें कहकर आप पूरे समाज को लांछित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। हिंदू समाज अत्यंत उदार है और वह ऐसा समाज है जो सर्वसमावेशी है, सबका सम्मान करता है, सभी जातियों का, सब मत पंथों का, सभी धर्मों का। हमारे ये सभी प्राणी अत्यंत आदरणीय हैं, इसलिए हिंदू तो वह है जो सब में ईश्वर को देखता है। आदरणीय राहुल गांधी जी का बार बार ये कहना कि हिंदू हिंसक है और हिंदू नफरत पैदा करते हैं या हिंदू 24 घंटे हिंसा करते हैं अथवा मिथ्या बोलते हैं, मैं उनके इन शब्दों की भर्त्सना करता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ। वे सम्माननीय सदस्य हैं सदन के और विपक्ष के
वे एक प्रकार से वहां नेता हैं, इसलिए उन्हें इन शब्दों को वापस लेना चाहिए। पूरा समाज आहत है, संत समाज में रोष है, पूरी हिंदू मान्यताओं पर उन्होंने प्रहार किया है, जो अत्यंत कोमल और करुणामयी संवेदनाएं, ऐसा कहकर उन्होंने संपूर्ण समाज को कलंकित किया है। ये शब्द मान्य नहीं है।